23 अप्रैल 2020 को एक अच्छी खबर आई। CAMS ने ट्वीट करके जानकारी दी। CAMS क्या है? कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने ट्वीट करके जानकारी दी कि इस साल यानी 2020 के मार्च में उत्तरी गोलार्ध में जो ओजोन परत में जो अभूतपूर्व छेद दिखा था वह बंद हो गया है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में इतने बड़े छेद से उनका सामना अभी तक नहीं हुआ था। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओजोन परत क्या है और इतनी अहम क्यों है? इस छेद के कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ओजोन इतनी अहम क्यों है? दोस्तों ओजोन परत जो है पृथ्वी को सूरज की हानिकारक किरणों से जरूरी सुरक्षा मुहैया कराती है। दोस्तों हमारी सूर्य से हानिकारक किरणें, जिन्हें हम अल्ट्रा वायलेट किरणें भी कहते हैं, उनसे पृथ्वी को सुरक्षा मुहैया कराती है। पृथ्वी की ज्यादातर ओजोन इसके वातावरण के ऊपरी स्तर यानी समताप मंडल में मौजूद होती है। समताप मंडल कौन सा होता है? जो हमारे वायुमंडल का सबसे ऊपरली परत होती है उसको हम समताप मंडल बोलते हैं। जमीन से लगभग 10 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह मौजूद होती है और पृथ्वी को अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाने में काफी मददगार है। अगर इस रक्षा कवच में छेद हो जाए तो क्या हो सकता है? दोस्तों बर्फ के पिघलने की गति काफी ज्यादा बढ़ सकती है और यह जीवधारियों के प्रतिरोधक प्रणाली को भी प्रभावित कर सकती है। इससे मनुष्यों की स्किन कैंसर या रतुंधी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। CAMS के मुताबिक हालांकि आर्कटिक क्षेत्र के वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत पर छोटे छेद मिल चुके हैं, लेकिन यह पहली बार था जब ओजोन परत में इतना बड़ा छेद दिख रहा था और यह चिंता का विषय बन गया था। अब सवाल यह आता है कि छेद दिखा और फिर गायब कैसे हो गया? तो इसका जवाब CAMS ने दिया। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ता हुआ छेद आर्कटिक के ऊपर असामान्य मौसम का नतीजा था, जब तेज हवाएं बर्फीली चोटियों के ऊपर की जमा देने वाली हवाओं से लगातार कई दिनों तक फंसती रहती हैं, तो वैज्ञानिकों की शब्दावली में एक पोलर वॉर्टेक्स बनाती है। यह मजबूत दबाव अपने ही चारों ओर घूमती है, इससे इतनी ताकत पैदा होती है कि वह समताप मंडल की ओजोन में छेद कर डालती है। हालांकि अब यह छेद बंद हो गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम इसके अनुकूल हुआ तो यह फिर खुल सकता है। आखिरी सवाल, क्या ओजोन परत में छेद लॉकडाउन की वजह से बंद हुआ है? इस सवाल का जवाब भी CAMS ने ट्वीट करके दिया। उन्होंने कहा कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में हुए इस बड़े छेद का कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से कोई संबंध नहीं है। यह तो बेहद मजबूत और असाधारण हवा और लंबे वक्त से बने पोलर वर्टेक्स की वजह से हुआ था। ट्वीट में कहा गया है कि ओजोन परत में हुआ यह बड़ा छेद ओजोन में आ रही बड़ी गिरावट जैसी बड़ी समस्याओं का एक लक्षण है। यह बंद हुआ था सिर्फ वार्षिक चक्र की वजह से। यह स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन उम्मीद बनी हुई है ओजोन परत में सुधार आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे। आई होप दोस्तों आपके सवाल के जवाब आपको मिल चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों एक बात और, अगर अभी तक आपने हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ पर जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।